हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों से बहुत ही स्वादिष्ट मजेदार सेव। तो ये चावल 2 दिन के बचे हुए हैं मेरे। 200 ग्राम चावल है, 2 पिंच बेकिंग सोडा, 2 चुटकी बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा लीटर पानी। सबसे पहले हम कुकर में पानी डालेंगे, गैस ऑन करके पानी को गर्म होने देंगे। पानी उबलने के बाद में सभी चीजें डाल देंगे, चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीजों को आपस में। ढक्कन लगा देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसको 2 सीटी आने तक पकने देंगे। चावलों को हमने 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लिया था। चावलों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें चावल का एक भी दाना नहीं रहना चाहिए, इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। ये खिचड़ी की तरह हो गया एकदम से पतले। अब अच्छे से मिक्स करना है इसको। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। नमकीन बनाने वाली मशीन ली है, ये पतले सेवों वाली जाली लगाई है। अभी इसके अंदर तेल लगा लिया है और तेल लगाने के बाद में इसे डाल देंगे। इसके अंदर हमने चावल को मल लिया है, अभी हम इसे बंद कर देंगे। अभी हम कचरी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने प्लास्टिक की पोलोथीन ली है, इसके ऊपर मैं सेव बनाऊंगा इस तरह से गोल गोल करके। सभी को हम इसी तरह से बना लेंगे और इसको 2 दिन तेज धूप में सुखा लेंगे। चावल के सेब को 2 दिन हमने धूप में सुखा लिया है। सेब हमारे सूख चुके हैं, अभी इन्हें हम तल के दिखाएंगे। कढ़ाई में हमने तेल रखा है, तेल हमारा गर्म है, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, इस तरह से डाल देंगे। इसी तरह से सभी सेब को तल लेंगे। सेब को हमने तल लिया है और जरूरत के हिसाब से हमने इन्हें तला है। जितनी जरूरत है उसी हिसाब से आप इन्हें तले। तो ये इतने क्रिस्पी हैं, देखिए एकदम से इस तरह के ही सेब होने चाहिए। बचे हुए चावलों से आप इतने अच्छे सेब बना करके तैयार कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे, आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।